उदयपुर में सनातन धर्मी कन्हैया की निर्मम हत्या और प्रधानमंत्री को दी गई धमकी को लेकर आज संखनाथ द्वारा प्रस्तावित जनाक्रोश मार्च प्रशासन द्वारा दिन भर रस्सा कसी के बाद अनुमति न मिलने के कारण स्थगित करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा एवं क्षेत्राधिकारी वंदना सिंह कोतवाल राघवंत सिंह की उपस्थित में सदस्यों द्वारा संखनाथ संयोजक मुनीश अग्रवाल के आवास पर सौंपा गया। कार्यक्रम के संयोजक धर्मेंद्र वर्मा ने प्रेस को बताया कि देश में जिस तरह से आजकल उत्पात चल रहा है और जिस तरह से निर्दोष कन्हैया की हत्या हुई है, उससे सनातन धर्म को मानने वाला हर व्यक्ति व्यथित और डरा हुआ है। सरकार को शीघ्र इस पर कड़े कानून का प्रावधान करना चाहिए। संस्था के संयोजक मुनीश अग्रवाल ने कहा कि जिस प्रकार इस्लामिक लोगों के द्वारा समस्याएं पैदा की जा रही हैं, उस पर कहीं ना कहीं गंभीर होने की आवश्यकता है। मुनीश अग्रवाल ने बताया कि राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन में राष्ट्रपति संखनाथ ने अपनी 7 सूत्री मांग रखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कन्हैया लाल साहू के जिस तरह से हत्या हुई है, उसके दोषियों को शीघ्र फांसी दी जाए। न्यायिक प्रक्रिया में होने वाली देरी का लाभ उठाते हुए वो इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। हम आपको बताएं कि 7 सूत्री मांगों के तहत कल एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन स्वीकार करते हुए नगर मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा ने संस्था के सदस्यों को आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार इस मामले में बहुत सख्त है और किसी को भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने की छूट नहीं दी जाएगी। साथ ही ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति तक भेजा जाएगा। ज्ञापन देने वालों में संखनाथ के पत्नी डॉक्टर रमाकांत मिश्रा, अजय गुप्ता, राजीव अग्रवाल, विमल वाजपेयी, अभिषेक तोमर, अजय वाजपेयी, अरविंद सिंह, राजेश अग्नोत्री, जुगल किशोर गुप्ता, सुभाष सैनी, सरिता सिंह, अजय कुमार मिश्रा, विनय वाजपेयी, वैभव चौरसिया समेत तमाम लोग रहे मौजूद। S7 की डेस्क रिपोर्ट।